रुकने जो का मुहावरा किया था। कौन सा मुहावरा किया था? न का। और न से क्या होता है? डमरू। वो भी हमने सीखा था। न से क्या होता है? डमरू। आज हम नया मूलाक्षर सीखेंगे। कौन सा मूलाक्षर सीखेंगे? नया सीखेंगे। पर कौन सा? ड। क्या सीखेंगे? ड। ये कौन सा चित्र है? ढोल का। कौन सा चित्र है? ढोल का। यहाँ पे बिंदु और से ड लिखा हुआ है, तो वो बिंदु हम जोड़ेंगे। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व और छोटा सा सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया जो। क्या बन गया? जो। यहाँ पे भी ड लिखा हुआ है और यहाँ गुजराती में ड लिखो से, यहाँ पे लिखा है ढोल। अब हम ड लिखेंगे यहाँ पे। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व, छोटा सा सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो कौन सा शब्द बनता है? ढोल का। कौन सा शब्द बनता है? ढोल का। और आगे आगे हम क्या करेंगे? ढ का मुहावरा करेंगे। क्या करेंगे? ढ का मुहावरा। तो यहाँ पे हम पहले बिंदुओं से ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिंदुओं से पहले ड लिखेंगे। छोटा सा सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो ये क्या बन गया? ड। ड से क्या होता है? हमने सीखा ड से ढोल। फिर बाद में करेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व और छोटा सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व और छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व, छोटा सा सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व और छोटा सा सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। अब आगे करेंगे। हमने बिंदुओं से ड किया, अब अपने आप करेंगे, तो अपने आप शुरू करते हैं। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व और छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व, छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व, छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व, छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व, छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ा कर्व, छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया ड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन,
बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल और स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल और स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा सर्कल छोटा सर्कल और ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो और छोटा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप और आगे स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा सर्कल छोटा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बड़ा करो छोटा सा सर्कल स्लीपिंग लाइन तो ये बन गया ड्रॉप तो यहाँ पे हमने ड्रॉप का मुहावरा किया। अब आगे ड्रॉ को ड्रॉ के साथ जोड़ो ड्रॉ ने ड्रॉ साथ जोड़ो यहाँ पे सर्कल लिया गया है और इसमें मूल अक्षर लिखे गए हैं और बीच में क्या है ड्रॉ तो हमें ड्रॉ को ड्रॉ के साथ जोड़ना है तो शुरू करते हैं पहले क्या है ड्रॉ तो ड्रॉ के साथ हम नहीं जोड़ेंगे फिर है ड्रॉ तो ड्रॉ के साथ भी नहीं जोड़ेंगे फिर है ड्रॉ तो ड्रॉ के साथ हम जोड़ेंगे फिर आया ड्रॉ तो ड्रॉ के साथ हम जोड़ेंगे फिर है ई तो ई के साथ हम नहीं जोड़ेंगे फिर से है ड्रॉ तो ड्रॉ के साथ हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉ को ड्रॉ के साथ जोड़ा आगे ड्रॉ से अलग वर्ण पर क्रॉस करो ड्रॉ से जुदा अक्षर पर क्रॉस करो यहाँ पे भी वर्ण दिए गए हैं और उसमें ड्रॉ से जो अलग वर्ण है उस पे हमें क्रॉस करना है तो शुरू करते हैं पहले है ड्रॉ तो ड्रॉ पर हम नहीं करेंगे फिर है ड्रॉ इसमें भी नहीं करेंगे फिर है ड्रॉ तो ड्रॉ पर हम क्रॉस करेंगे फिर से है ड्रॉ तो ड्रॉ पर भी करेंगे फिर है ड्रॉ तो ड्रॉ पर हम नहीं करेंगे फिर है ठ तो ठ पर हम करेंगे फिर है क क पर भी करेंगे फिर है ख ख पर भी करेंगे फिर आया ड तो ड पर हम नहीं करेंगे फिर है लास्ट में ड तो ड पर हम करेंगे तो यहाँ पे हमने ड से अलग वर्ण पे क्रॉस किया अब आगे ड्रॉ ढूंढकर उस पर गोल बना ड्रॉ सोधी टेना ऊपर गोल करो यहाँ पे भी वर्ण दिए गए हैं और जिसमें ड्रॉ है उस पर हमें गोल बनाना है तो शुरू करते हैं पहले है ड्रॉ तो ड्रॉ पर हम गोल बनाएंगे
की सूचना में दिया गया है कि डॉट ढूंढकर उस पर गोल बनाना है। फिर है टॉप, तो टॉप पर हम नहीं बनाएंगे। फिर है वो पर भी नहीं बनाएंगे। फिर है वो पर भी नहीं बनाएंगे। फिर है ड, तो उस पे हम गोल बनाएंगे। फिर है ई, तो ई पर हम नहीं बनाएंगे। फिर है ड, तो ड पर हम बनाएंगे। फिर है क, तो क पर हम नहीं बनाएंगे। फिर आया ध, तो ड पर हम बनाएंगे। फिर है ठ, तो ठ पर हम नहीं बनाएंगे। फिर है ख, तो ख पर भी नहीं बनाएंगे। फिर है ग, ग पर भी नहीं बनाएंगे। फिर है क, उस पे भी नहीं बनाएंगे। और लास्ट में है ड, तो लास्ट में हम गोल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ड ढूंढकर उस पर गोल बनाया। अब आगे ढ के नीचे रेखा खींचो, ध्वनि नीचे लिखी करो। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? शब्द। तो हमें ढ के नीचे रेखा खींचनी है। जो शब्द में ढ है उसके नीचे रेखा हम खींचेंगे। तो शब्द पढ़ते हैं। पहले है ढकना, तो यहाँ पे पहले ढ लिया गया है, तो हमें ढ के नीचे रेखा खींची। और आगे है मेढक, तो इसमें बीच में है ढ, तो यहाँ पे भी हम रेखा खींचेंगे। फिर है बढ़ई, तो ढ में हम रेखा खींचेंगे। फिर है पढ़ना, तो यहाँ पे भी बीच में है। फिर है आसान, तो यहाँ लास्ट में ढ लिया गया है, तो यहाँ ढ के नीचे हम रेखा खींचेंगे। फिर है डमडम, यहाँ पे तो दो ढ दिए गए हैं, तो हम दो के नीचे खींचेंगे, पहला वाला और बीच वाला। तो यहाँ पे हमने ढ के नीचे रेखा खींची और ढ को साथ जोड़ा। फिर ढ से अलग होने पर क्रॉस किया और ढ ढूंढकर उस पर गोल बनाया। तो ये आपको आपकी वर्क